नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो लेबर हों या सरकार के कर्मचारी हों, वो अपनी भूमिकाएं निभाते रहे हैं। लेकिन उनमें एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, और वो व्यक्ति है पोस्टमैन और पोस्टल एम्प्लॉई। आप जानते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना संकट के बाद एक अफरा तफरी फैली, उसमें बहुत सारे जगहों पर बैंकों में भीड़ होने से लेकर के एटीएम और बहुत सारा ऐसा संकट रहा है, उसमें ये जो डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उनको मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और इसके लिए मैंने अलग अलग जगहों पर न केवल जाँच पड़ताल की है बल्कि पता किया है। और जो पोस्टल सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार बिश्नोई जी, उनसे कुछ जानकारियां ली हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सर्किल है पोस्टल का यूपी का, उसमें निदेशक हैं कृष्ण कुमार यादव जी, उनसे बात किया है। और हिमाचल में भी हमने जो है ऊना में, जो कि जहां जिसकी काफ़ी चर्चा रही, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, एक तमाम ट्वीट भी आए हैं उसको लेकर के, तो वहाँ के जो पोस्टल सुपरिंटेंडेंट हैं रामतीर्थ शर्मा जी, उनसे भी पता किया है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर आप देखेंगे, विजुअल वाला जो चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि रिमोटेस्ट इलाकों में, खेतों में, पहाड़ी इलाकों में, जो गरीब से गरीब महिला है, लोग हैं, पेंशनर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको घर तक जा कर के जो डाक सेवाएँ दी गई हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो ये पूरा का पूरा आप जानते हैं कि जो भारत है, भारतीय डाक, भले ही आज संचार क्रांति ने चिट्ठियों को कम कर दिया हो, लेकिन वित्तीय मामलों में यह एक बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत इस सेंस में है कि हम पूरी दुनिया भर में 6,40,000 डाकघर हैं, जिनमें से 1,55,000 तो भारत के पास है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क जो है वो भारत है। और बहुत सारे बदलाव के बाद भी, संचार क्रांति के बाद भी, वो कितनी बड़ी ताकत रखता है, वो लॉकडाउन के दौरान के कुछ आंकड़े अगर आप देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि बीच में जो लॉकडाउन 2 जो आया, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली जो डाक विभाग है उसकी भूमिका को इस मायने में सराहा, क्योंकि वो खाद्यान्न वस्तुओं से लेकर के और वेंटिलेटर, उसके अलावा तमाम मेडिसिंस, इसको लोगों तक पहुँचाने में जो रोल प्ले किया है। लेकिन जो इसका इस समय जो है, इस दौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, भूमिका है, वो ये है कि उसने जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसके तहत लाखों लोगों तक जो घर पर जाकर के पैसा दिया है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले एक आंकड़े से शुरू करूंगा। वो आंकड़ा ये है कि यूपी का जो पोस्टल सर्किल है, उसने 11 मई के दिन 2,74,000 लोगों को, एक ही दिन की बात बता रहा हूँ, 30 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है। और एक ही दिन में, मैं ये घर घर के, घर के पेमेंट की बात बता रहा हूँ, जो घर पर जाकर के पेमेंट किया है, और ये पूरे भारत में एक दिन का एक रिकॉर्ड बना है। और अब तक जो है 19 लाख लोगों को पोस्टल, जो पोस्टमैन हम जिनको बोलते हैं या ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं, वो 19 लाख से अधिक लोगों को 2,78,00,000 रुपये घर जा करके वितरित करके आए हैं। ये उन चीज़ों के अलग, उनसे अलग हट करके है जो बाकी वो सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी आपने, हम इसी के साथ दिखाएंगे, अमिताभ बच्चन ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क किया है इन पोस्टल एम्प्लॉयज़ के बारे में, पोस्टमैनों के बारे में। तो अब तक अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो 3,60,00,000 जो बचत खाते हैं उनसे 56,500 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन जो है डाकखानों से हुआ है। 45,50,000 से अधिक जो आधार इनेबल्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है, उससे 851 करोड़ रुपए का भुगतान, जिसको कहिए घर बैठे हुआ लोगों को। और ये ऐसा नहीं कि इसमें केवल डाकखानों के खाते हैं, ये बाकी बैंकों के भी खाते हैं उससे हुआ है। इसके अलावा 94,00,000 से अधिक जो DBT भुगतान है, वो उससे 560 करोड़ रुपए का भुगतान अलग से हुआ है। जो 54,00,000 से अधिक मनी ऑर्डर भेजे गए हैं उसका हुआ है। इसके अलावा जो मैं बता रहा था, 54,00,000 से अधिक DBT भुगतान है, उसमें 874 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी 4,231
करोड़ रुपए का वितरण इन डाकखानों ने किया है। और गांव में अगर आप देखेंगे तो किसानों के खेतों तक जा करके, इसके अलावा जो बहुत सारे जो ड्राइवर हैं, तमाम प्रवासी मजदूर फंसे हुए, उन सबको ये पोस्टल एम्प्लॉय जो है इन्होंने जा करके भुगतान किया है। और हमारा जो पूरा डाक तंत्र है उसमें आप सब जानते हैं कि उसमें 90% डाकखाने हमारे गाँव में हैं, पहाड़ी इलाके दुर्गम इलाकों में अकेला डाक विभाग है भारत सरकार में जिसकी पहुँच है। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे तो कोरोना संकट ही नहीं है, जब पहले मलेरिया का संकट आया तो उन्हें की गोलियां भी डाक विभाग ने बांटी, और जो डाकिया है वो आम आदमी से बहुत ज़्यादा करीबी से जुड़ा हुआ है, वो शिक्षित भी कर रहा है कोरोना संकट से। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो आने वाले समय में भी हम आपको कुछ बातों को और सामने लेकर के आए। लेकिन आज ये कि इस दौर में जबकि बहुत सारी भूमिकाएँ हैं कोरोना वॉरियर के तौर पर, जो पोस्टमैन का और पोस्टल एम्प्लॉय का जो रोल है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है, और वो घर बैठ करके घर घर के दरवाजे तक, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, पहुँच है, और वो एक तरह से धड़कन है ग्रामीण समाज में, वो जो भूमिका निभा रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है और अभिनंदनीय है। नमस्कार।